सभी मीडिया के मित्रों को नमस्कार करता हूं। आज जो संसद में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीडी अमेंडमेंट 2021 प्रस्तुत हो रहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। और इस अमेंडमेंट के बाद दिल्ली के अंदर विकास की रफ्तार बढ़ेगी, दिल्ली की सरकार और एलजी के बीच जो कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिग्विटीज हैं उनको दूर किया जाएगा और जो एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केंद्र सरकार को जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय की डिविजनल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो फरवरी 2018 और जुलाई 2019 में जो उन्होंने इच्छा व्यक्त की है, उस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को आज पार्लियामेंट पूरा करने जा रही है। और जिस तरह से पिछले काफी दिनों से लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार के बीच बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और तकरार थी, और इस अमेंडमेंट के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली सरकार का क्या काम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या काम है। भारतीय जनता पार्टी इस अमेंडमेंट का बहुत स्वागत करती है और इससे आम जनता की, सामान्य जन के जुड़े हुए जो फैसले हैं वो तेज होंगे। जिस तरह से पिछले दिनों में दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को काफी टाइम तक रोकने का काम किया है, इसी तरह से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को अभी तक दिल्ली में लागू नहीं किया दिल्ली सरकार ने, ये सब जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर दिल्ली सरकार को काम करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता के हित में है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी होने के नाते बहुत सारे जो काम है वो एलजी को करने होते हैं और दिल्ली सरकार के पास जो काम है उनको अच्छी तरह से वो करे, वो अच्छी तरह से साफ स्वच्छ और अविरल पानी की सप्लाई दिल्ली में हो, दिल्ली के वातावरण में प्रदूषण नहीं हो, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, ये सब जो काम है। और दिल्ली के बेहतरी के लिए मेट्रो फेज 4 को जिस तरह से रोक के केजरीवाल सरकार बहुत दिनों से रोक रही है, और मैं समझता हूँ कि ये फैसला आने के बाद जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में जो केंद्र सरकार फैसला लेना चाहती, सुधार करना चाहती, वो फैसले भी लेंगे और दिल्ली सरकार को भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मौका मिलेगा। हालांकि उनकी इच्छा नहीं है, वो अराजकवादी सोच की मानसिकता है और शायद यही कारण है कि वो अपने काम में कम, दूसरे के कामों में, दूसरे की बातों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और अपने काम को जो उन्हें मिला है उस काम की पूर्ति और उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं, शायद इसीलिए उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए यूनियन टेरिटरी, खासतौर से दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में कोऑर्डिनेशन बनाना ये बहुत जरूरी है। वो चाहे कोऑर्डिनेशन दिल्ली सरकार और एलजी के बीच हो, वो चाहे कोऑर्डिनेशन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हो, और फिर दिल्ली सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो निगमों के साथ भी कोऑर्डिनेशन करे ताकि दिल्ली के सामान्य लोगों को जो सुविधाएं मिली वो अच्छी तरह से मिल सके। ईमानदार जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज करने में ज्यादा मजा आ रहा है। उनको जो वर्डिक्ट मिला है, जो उनको मैंडेट मिला है, वो दिल्ली की जनता के लिए, आप जब चुनाव लड़े थे तब भी आपको पता था आप यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे हैं,
आज भी पता है यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी का जो अधिकार है, जिसको जो अधिकार है वो करेगा। आपको काम करने से किसने रोका है? आप करिए काम, लेकिन जो काम आपका है वो आप ही करेंगे ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप, आपको बनाया पीसीएस और आप कहने में आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। अरे आपको जो जो अधिकार मिले हैं वही आपको मिलेंगे। आप ये कहो कि मुझे एडीएम क्यों लगाया, मुझे डीएम बनाओ, डीएम बनाओ। एडीएम का पर्चा पास किया तो एडीएम बनोगे, डीएम का पर्चा पास करोगे तो डीएम बनोगे। तो इसलिए उनको मुगालते में नहीं रहना चाहिए। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और जहां पर एक चुनी हुई सरकार भी है, जहां कॉर्पोरेशंस भी है, जहां पर केंद्र सरकार भी है, जहां पार्लियामेंट भी है, जहां डीडीए भी है, जहां सर्विसेज भी है, जहां दिल्ली पुलिस है। तो सबके अपने अपने अधिकार हैं। ये जो वो नाटक कर रहे हैं, ये नाटक ही है उनका। ये झगड़ा की जो मानसिकता है वही उनकी दिखाई पड़ रही है। मैं समझता हूँ इस अमेंडमेंट से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनेगा, स्मूथनिंग होगी और जनता को फायदा होगा इससे।